मैं कल से एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या पिछले हफ्ते से इंटरव्यू देते हुए आ रहे हैं। सिद्धार्थ के इतने सारे इंटरव्यू रिवील्स किए जा चुके हैं, तकरीबन अभी मैं 8-10 इंटरव्यू तो देख चुका हूं, जो अच्छे अच्छे खासे लंबे इंटरव्यूज हैं। फिर उसके बाद से मीट एंड ग्रीट जो आधे घंटे की परफॉर्म रही, वहां पर सिद्धार्थ ने अपने फैंस को जवाब भी दिए। एक इंटरव्यू सिद्धार्थ शुक्ला का और सामने आया, जहां पर सिद्धार्थ ने ढेर सारी बातें करी। और बातें क्या करी, इस बार सिद्धार्थ का जो इंटरव्यू रहा वो कुछ यूनिक रहा। सिद्धार्थ ने कुछ यूनिक बताया अपनी लाइफ को लेकर के, अपने काम को लेकर के, और अपनी जितनी भी सारी सिचुएशंस हैं, जितने सारे लाइफ के पार्ट हैं, वो सारी चीज़ें सिद्धार्थ ने बताई। सबसे पहली बात, सिद्धार्थ ने कहा कि मैं अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, अपने काम को लेकर के हर वक्त मैं कंसर्न रहता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे वो काम नहीं करना चाहिए, मुझे काम वो नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो मेरे लिए बेटर है, जो मेरे फैंस को सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, वो मुझे अच्छा लगता है करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सिद्धार्थ शुक्ला ने यह भी कहा कि जितने भी सारे फैंस हैं, मुझे अपने फैंस के ऊपर प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पर क्रश करते हैं। जी हाँ, मेरे पे क्या करते हैं, मेरे पर क्रश करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे फैंस मुझे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा दिल से चाहते हैं और दिल से मुझे प्यार करते हैं। सिद्धार्थ से बैड डे के लिए बोला गया कि आपका ऐसा वो कौन सा दिन होता है कि आपको लगता है कि वाकई में बहुत ख़राब है, दिन मेरे लिए नहीं है। तो सिद्धार्थ ने साफ साफ कहा कि मैं अपनी मॉम, अपनी बहन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। इसमें सिद्धार्थ ने वो वाली बात नहीं कही कि भाई आप वो समझिए, हाँ अगर सिद्धार्थ वो बोल देते तो फिर रिलेशन का काम हो जाता तमाम। सिद्धार्थ ने कहा कि मेरी मॉम और मेरी बहन, ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है, और मैं इन सब चेहरों को हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। जिस दिन इनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती, यानी कि कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ख़राब दिन होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरी मॉम, मेरी बहन हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और बस इंजॉय करती रहें अपनी लाइफ को, कुछ ऐसी सिचुएशंस ना फेस करनी पड़ जाए जिससे कि उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो उससे मुझे दुख होता है। सिद्धार्थ ने साफ साफ कहा कि मैं अपनी बहन और अपनी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, और अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, अपने काम को लेकर के हद से ज़्यादा मैं कंसर्न हूँ, और इतने सारे फैंस जो मुझ पर क्रश करते हैं उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। मतलब सिद्धार्थ ने वो मन की बात कह डाली। अब ये मत समझेगा कि शहनाज गिल पर क्यों नहीं कहा, शहनाज गिल पर वो जब तक रिलेशन ऑफिशियल नहीं होगा तब तक वो कुछ ना ही कहीं नहीं वाले भाई, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे सिद्धार्थ की चंद बातें, चंद लाइंस बहुत अच्छी लगी जो सिद्धार्थ ने अपने फैंस के लिए कहीं कि फैंस मुझ पर क्रश करते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ख़ास तौर से फैंस को भी एक बड़ा बढ़ावा मिल गया। बाकी कैरियर को लेकर के अपना बहुत चिंतित है सिद्धार्थ शुक्ला, उन्होंने साफ साफ अपने बातों के अंदर बयां किया।